पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार इस पर जोर देकर जातिगत गणना करा रही थी। माना जा रहा था कि ये नीतीश सरकार का बड़ा पॉलिटिकल मूव है, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार में जाति गणना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि जातिगत गणना का काम राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जातिगत गणना पर रोक लगते ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस पर नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि जाति आधार पर जनगणना कराने को लेकर नीतीश कुमार की नियत में शुरू से ही खोट था। कथनी करनी जब एक नहीं रहता है और नियत में जब खोट होता है तो माननीय न्यायालय बहुत ही गंभीरता के साथ इनकी मकसद को समझ गए। ये जाति एक तरफ कह रहे हैं कि जाति बताने की बाध्यता नहीं होगी, एक तरफ कई जाति को छोड़ दिए। उन्माद पैदा करने की इनकी मानसिकता थी और इससे विकास की नीयत नहीं था। विकास करने के लिए कहां रोक रहा है? तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस सर्वे से रियलिटी सामने आती अब वो नहीं आ सकेगी और कई लोग चाहते ही नहीं थे कि ये जनगणना हो। कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना या जाति कास्ट सेंसस नहीं है, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये हो। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता भाई, कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। अब कोई एक जाति की बात नहीं थी, सबकी बात थी। तो अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर हम लोग देखेंगे। पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील एसडी संजय ने बताया कि याचिका में ये भी कहा गया कि बिहार में हो रहे जातीय गणना लोगों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार का हनन है। इसमें जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उसे लोगों की निजता का भी हनन हो रहा है। इसके अलावा याचिका में ये भी जोर देकर कहा गया था कि जातिगत गणना केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, न कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। एसजी संजय ने यह भी कहा कि सरकार अगर वास्तव में जातिगत गणना के पक्ष में है तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें 3 जुलाई को डिटेल में सुनवाई होगी। कोर्ट से निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि 3 जुलाई के बाद ये देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। हाई कोर्ट ने अब तक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि बिहार में पिछड़ी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, सभी में बिहार में जातिगत गणना कराए जाने की मांग थी। आपको ये भी याद दिला दें कि जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर 2022 में ही बिहार के तमाम राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका है, लेकिन केंद्र सरकार के जातीय जनगणना से इनकार किए जाने के बावजूद बिहार सरकार इसे अपने खर्चे पर पूरा करा रही थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।